नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 24 फोर कंट्रफे पर जहां भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के एनर्जी सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद भारत उन सभी देशों को आसानी से जवाब दे पाएगा जो भारत को कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने की वार्निंग कई बार दे चुके हैं एन ऑलरेडी भारत के पेट्रोलियम सेक्टर की काफी बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास मौजूद है यहाँ तक की इंडियन रेलवे के लिए जो डीजल की सप्लाई है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ ऐसी ही की जाती है तो बड़ी खबर ये है की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के पूरे इको को बिल्ड करने के लिए करीब

टेन बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जहाँ रिपोर्ट के मुताबिक साल दो तक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रिलायंस इंडस्ट्री शुरू कर देगी और सबसे पहले इसकी शुरुआत गुजरात ऐसी की जाएगी क्यूँकी कंपनी ने अपने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए करीब चालीस सालों के लिए चौहत्तर हजार सात सौ पचास हेक्टेयर की एक लैंड को अक्वायर किया है इन गुजरात और इसी लैंड के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली उस यूनिट का सेटअप किया जाएगा जिसके बाद पूरे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई को कंटिन्यू किया जाएगा एंड रिलायंस ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएगी क्यूँकी इनके पास ऑलरेडी जियोबीपी का एक बड़ा नेटवर्क है यहाँ तक की रिलायंस के पास खुद के पेट्रोल पंप है जिसपे वो आसानी ऐसी अपने इस हाइड्रोजन सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इसके अलावा अगर किसी और कंपनी की बात की जाए तो उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में दस बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है और ये बातें सिर्फ खबरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी क्योंकि रिलायंस ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही अशोक लेडन के साथ में रिलायंस ने अपने एच टू आई सीई हाइड्रोजन इंटरनल कम्बर्शन इंजन को लॉन्च किया था जिससे भारत के इस पहले इंजन कैटेगरी में शामिल किया गया था इसके अलावा रिलायंस ने इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च करने का, का काम किया है और रिसेंटली भारत बैंक के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर बेस्ड बसेस को भी लॉन्च करने की तैयारी रिलायंस ऐसी बनाई है रिलायंस का कहना है की पहले इंटरसिटी लग्जरी कोचेस बसेस को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और रिलायंस ने ऐसे कई मल्टीपल एमओ को साइन कर रखा है यदि आप इस चीज को ध्यान ऐसी देखें तो रिलायंस ने ऑलरेडी उन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप की है जो व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अलावा इनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि इन बसेस के अंदर फ्यूलिंग इजीलि की जा सके यानी की चलने वाली बसेस भी रिलायंस की होंगी उनमें पड़ने वाला फ्यूल भी होगा यहाँ तक की उस फ्यूल का प्रोडक्शन भी रिलायंस करने वाली है अगर हम और डिटेल्स की बात करें तो दो तक टारगेट है की कि प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन का जो प्राइस है वो करीब एक डॉलर तक पहुँच जाए जो करेंटली आठ से नौ डॉलर के भाव में बिकता है और देखा जाए तो हाइड्रोजन कई सालों बाद ऑपरेट होने वाला फ्यूल है 2030 और 35 के बाद में हाइड्रोजन के ऊपर बड़े स्केल पर काम किया जाएगा बड़े स्केल पर हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा और रिलायंस अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर चुकी है और अगर आप रिलायंस के पास्ट एग्जाम्पल से समझेंगे तो रिलायंस ने दो में ही जियो के फाइबर ऑप्टिक्स के साथ साथ पूरे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया था 2016 में जाकर के रिलायंस ने अपने जियो को लॉन्च किया कई सालों तक इसके ऊपर काम किया गया और आज नतीजे आपके सामने हैं भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो को कम्पीट कर पाना किसी भी कंपनी के बस की बात नहीं है और अब यही सिचुएशन फ्यूल सेक्टर में भी देखने को मिलेगी ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल में रिलायंस का बड़ा हाथ है इसके अलावा अब हाइड्रोजन सेक्टर में रिलायंस ने अपना बड़ा कदम रख दिया है इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज को फ्रेम किया है जिसकी वजह ऐसी हम अपने फ्यूल सेक्टर में काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं भारत सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में करीब दो बिलियन यूएस डॉलर के स्कीम्स को लॉन्च किया है ताकि हाइड्रोजन का जो प्राइस है उसको टेन तक रिड्यूस किया जा सके इसके अलावा टू बिलियन एस डॉलर के कुछ ऐसे सपोर्ट प्रोडक्शन भी दिए गए हैं जिससे हाइड्रोजन का यूज एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन को इजिली बैलेंस किया जा सके भारत का टारगेट है की दो तक भारत में करीब पांच मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को एनुअली प्रोड्यूस किया जाए और दो के बाद हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को फिफ्टी तक रिन्यूबल एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस कर पाए ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है 85 परसेंट अपने कच्चे तेल को लेकर के अलग अलग देशों से वो कम हो जाए और हम देख पा रहे हैं कि कई देश अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा दुनिया भर में पड़ेगा इसके अलावा हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी जिससे ओवरऑल महंगाई बढ़ने वाली है और ये हमारे लिए एक बड़ा अल्टरनेट ऑप्शन है अगर रिलायंस अडानी और टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में उतरते हैं हमें अगले पांच से सात सालों में रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल में बड़े स्केल पर काम करना होगा ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम की जा सके फिलहाल रिलायंस की इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को खत्म करने के साथ आपको बता दें कि आप में से जितने भी लोग एस एस सी जी एल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए क्लास ट्वेंटी फोर के एस एस सी सी जी एल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा इस कोर्स की खासियत ये है की यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी क्यूँकी इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा इस कोर्स में आपको 400 हंड्रेड प्लस आर का क्लासरूम प्रोग्राम लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन एग्जाम ओरियंटेड वीकली टेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी टीम डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में बीस ऐसी पच्चीस रहता है क्लास ट्वेंटी पर भी इसके प्राइस दस के, के आसपास रहते हैं लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ यानी फोर ट्रिपल नाइन में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा इस कोर्स में नॉर्म होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास ट्वेंटी फोर एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एस सेक्शन में प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं